आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्स ऑरेंज कैप्सूल्स के बारे में। डेक्स ऑरेंज कैप्सूल्स क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कौन कौन सी कंडीशंस में या फिर रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए, इसको यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसका मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। डेक्स ऑरेंज कैप्सूल्स जो हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन हैं, एलोपैथिक कैप्सूल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, और ये एनीमिया कंडीशन को मैनेज करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना। तो एनीमिया किस कारण से, देखो यदि एनीमिया आपको हुआ है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हुआ है, ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए जनरली इस दवा को, इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं डेक्स ऑरेंज कैप्सूल जो हैं इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें रहता है साइनोकोबालमिन रहता है 7.5 माइक्रोग्राम्स, और इसमें रहता है जिंक सल्फेट जो कि रहता है 20.61 mg में, और रहता है इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 160 mg रहता है, और इसमें रहता है फॉलिक एसिड 0.5 mg। जो डेक्स ऑरेंज सिरप है उसमें अल्कोहल रहता था 95%, लेकिन जो डेक्स ऑरेंज कैप्सूल्स है इसमें अल्कोहल नहीं रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरर के बारे में। तो इसको बनाती है फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आइए अब हम जानते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा जनरली आपको ये लिख के दिया जाता है। पहला देखिए, यदि आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से यदि आपको खून की कमी हुई है, एनीमिया की समस्या हुई है, तो उसमें लिख के दिया जाता है। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, खून चला गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको ये लिख के दिया जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस की समस्या है या फिर आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद आपको जल्दी रिकवरी के लिए इस दवा को लिख के दिया जाता है, या फिर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से है वो, तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और ये कैप्सूल नॉर्मल ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट भी दिया जाता है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये हेल्थी स्किन के लिए मतलब अच्छी त्वचा के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट रहता है फॉलेट और विटामिन B12, और ये एनीमिया कंडीशन को ठीक करता है, खून की कमी को ठीक करता है गर्भवती महिलाओं में, और जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं यदि उनको एनीमिया की समस्या है तो उनको भी ठीक करने में मदद करता है। यदि आपके शरीर में किसी भी तरीके से वीकनेस हो रहा है, यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने में मदद करता है, यदि पेट में पेप्टिक अल्सर हो गए हैं, पेट में रक्तस्राव हो रहा है, या फिर पाइल्स भगंदर की समस्या है वहाँ से रक्तस्राव हो रहा है, उस वजह से यदि आपको एनीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में लिख के दिया जाता है। या फिर महिलाओं को जो पीरियड्स होता है तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन की वजह से यदि एनीमिया की समस्या हुई है तो इस कंडीशन में भी इस दवा को लिख के दिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस हिसाब से डॉक्टर जनरली आपको ये लेने को बोलते हैं। यहां मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब जिनकी आयु 18 बरस से ज्यादा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उनको देखिए डॉक्टर ये दिन में एक गोली लेने को बोलते हैं। मतलब दिन में सवेरे ले सकते हैं आप, दोपहर में नहीं लेना है, रात को नहीं लेना है, या फिर दिन में दो बार आप इसको ले सकते हैं। एक गोली को सुबह एक गोली ले ली नाश्ते के बाद, रात को एक गोली ले ली खाना खाने के बाद, और इसको नॉर्मल पानी के साथ आपको निगलना है। आइए अब हम बात करते हैं कितने दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए वो आपके डॉक्टर जब आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह सब देख लेते हैं, किस रोग के लिए वो आपको दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक वो आपको लेने को बोल रहे हैं। तो जितने दिन वो आपको लेने को सलाह दे रहे हैं उस हिसाब से आप इसका सेवन कर सकते हैं।
आइए अब हम बात करेंगे इससे होने वाले साइड इफेक्ट दुष्परिणाम के बारे में। यदि आपने ये गोली खा ली है तो देखिए आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब मलबद्धता की समस्या हो सकती है, 4-5 दिन संडास न आना ऐसा हो सकता है, या फिर आपको डायरिया हो सकता है मतलब जुलाब लग जाना, एकदम संडास का पानी पानी हो जाना, ये कंडीशन हो सकता है, या फिर आपको उल्टी आने जैसा लगना या फिर उल्टियाँ शुरू हो जाना, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिन लोगों को इस मेडिसिन के कंटेंट से जो इसके कंपोनेंट्स हैं उससे एलर्जी है तो उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि हैं साइनोकोबालमिन, फेरिक अमोनिया, जिंक सल्फेट, फॉलिक एसिड। ये दवाइयाँ अगर कंटेंट आपको नहीं बन पड़ता है तो आपको ये सेवन नहीं करना चाहिए। इस दवा को महिलाएं जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं उस टाइम पे यूज कर सकती हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन यदि आपको पेट में अल्सर्स हो गए हैं, आयरन ओवरलोड सिंड्रोम की समस्या है, पेट में रक्तस्राव होता है, आपको हार्ट की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको लीवर की समस्या है, तो इन सब कंडीशंस अगर आपको ये सब हैं तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, आप इस दवा के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कीमत के बारे में कि डेक्सोरेंज कैप्सूल की कीमत क्या है। तो ये देखिए मार्केट में आपको 170 रुपये में 30 कैप्सूल का एक बॉक्स मिल जाता है। अब बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए यदि आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है तो आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में जितनी जानकारी मैंने आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर की है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको दबा दीजिए। यदि आप उसको दबा देते हैं तो आगे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जो लोग इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।